ऐसा कौन है जिसे प्यार हुआ नहीं, ऐसा कौन है जिसके दिल में किसी के लिए जगह बनी नहीं, ऐसा कौन है जिस भी व्यक्ति के लाइफ में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं आई, ऐसा कौन है जिसके दिल में किसी ने दस्तक नहीं दी, ऐसा कौन है जो रिश्तों की कोई भी वैल्यू नहीं करता, बशर्ते आवश्यकता है सही रिश्ता सही व्यक्ति और सही इंसान के साथ कनेक्शन होने का। कहीं तुम्हारा रिश्ता गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं था, कहीं तुम्हारे दिल टूटने का कारण तुम स्वयं ही तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे दिल में जिसने दस्तक दी वो सही इंसान था भी या नहीं, ये बात तुम जाने बगैर आगे बढ़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं कंफ्यूज हो। और जरा ध्यान से समझना, तुम्हारे दिल में क्या सच में सच्चा प्यार है। इन सारी की सारी बातों का विश्लेषण साधन कारण वारण और निवारण के साथ ये एपिसोड है आज का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। जहां प्यार आवश्यक है, अगर तुम सही हो तो तुम्हारा पार्टनर भी सही होना चाहिए, है ना। और एक बात, अगर तुम्हारा पार्टनर सही नहीं है तो भी, और सही है और कंफ्यूज हो गया है तो भी, रिश्ते में भटकाव है क्यों, कहां समस्या है और क्यों समस्या है, कारण वारण निवारण तीनों पर बात करने वाला हूं आज मैं। आज हम कह रहे हैं कि तुम किसी भी अनाज को अपने ऊपर से उतार के केवल फेंक दो अपने पसंदीदा, मात्र उतने से कारण वारण निवारण पर पूरे पे काम होगा आज। जानिए कंप्लीट बात, पर देखो भ्रमित मत होना, स्क्रिप्ट करके मत देखना, बढ़ाकर मत देखना, क्यों, क्योंकि ये समीक्षा तुम्हारे लिए है, ये साधन तुम्हारे लिए है, ये व्यवस्था सिर्फ तुम्हारे लिए है। और हाँ, समझने की कोशिश करना, ये पाठशाला सबके लिए नहीं है, ये कक्षा, ये पाठशाला, ये जो हम क्लास की बात कर रहे हैं, इस क्लास में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और समझाया जाता है। यहाँ पर पढ़ने वाले लोग 95% के ऊपर जाते हैं, तो भाई समझने की कोशिश करिए ना, यहाँ डिसलाइक से फर्क पड़ता है तुम्हारे, ना तुम्हारे लाइक से फर्क पड़ता है, ना तुम्हारे सब्सक्राइब से फर्क पड़ता है, ना तुम्हारे शेयर करने से फर्क पड़ता है। यहाँ सिर्फ फर्क पड़ता है तुम्हें सही उपाय बताकर तुम्हें जिताने से फर्क पड़ता है। मैं आज उपायों की बात कर रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मनपसंद अनाज की बात कर रहा हूँ। अनाज भगवान है भाई, अनाज देवता है, अन्न देवता है कहते हैं, अन्न जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, ऐसा बोलते हैं। अन्न मन को कंट्रोल करता है और पानी आपकी वाणी को कंट्रोल करता है। मन तुम्हें पता है ना, दिल, दिल की प्रॉब्लम सब मन के अंदर है, कोई मन में बस जाए तो समझो दिल में बस गया। तो आज उसी अन्न की बात कर रहे हैं। अन्न साक्षात देवता है, अन्न आपका प्राणदायिनी शक्ति है, अन्न आपकी शारीरिक शक्ति और बल को घटाने बढ़ाने का काम करता है, आपकी सौंदर्यता आपके बल को आपकी ताकत को घटाता बढ़ाता है, अन्न में अनेकों शक्तियां हैं। आज उसी अन्न की बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको 7 प्रकार का अनाज अपनी मुट्ठी में भरकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है और वहां से 1/4 उठा करके ला करके अपने ऊपर से उतार कर पक्षियों को खिलाना है। ऐसा काम आपको 7 बार करना है। ब्रीहवश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे मधुगाश्च मे। वेद कहता है ये 7 प्रकार के अनाज। 7 प्रकार के अनाज कौन से होते हैं? तिल हो सकते हैं, जौ हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, उड़द हो सकती है, चने की दाल और अरहर की दाल छोड़कर बाकी 7 कोई भी अनाज लिए जा सकते हैं। प्राथमिक जो अंग अवेलेबल होते हैं उन सब चीजों को आप ले सकते हो। अब उनको चढ़ाकर 1/4 ला करके अपने ऊपर से डेली उतार उतार करके पक्षियों को खिलाइए, कबूतर कौवा जो भी आपको पक्षी मिलता है उनको खिलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की प्यार की समस्या आएगी ही नहीं, तुम्हारे रिश्तों में अद्भुत मधुरता आएगी, तुम्हारा रिश्ता एक अलग सा बन जाएगा, रूठा हुआ व्यक्ति वापस आएगा और प्रेम बहुत सारा पाओगे तुम हर तरफ से। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्रसन्नता आएगी, निगेटिविटी दूर जाएगी और तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट की व्यवस्थाएं भी मजबूत होगी, चारों तरफ से सुख मिलता है। इसकी शुरुआत बुधवार के दिन कर सकते हैं या सोमवार के दिन कर सकते हैं, बाकी
किसी भी दिन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बार करना चाहिए। लगातार भी किया जा सकता है, अंतराल में भी करके किया जा सकता है। भगवान शिव आपके अपने जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति, खूब सारी खुशियां लेकर के आए, आपकी हर मनोरथ की सिद्धि करे। इस उपाय में गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना नामांकन कराकर अपनी गुरु आदेश की फाइल कंप्लीट करा सकते हो। अब बारी है आपसे इजाजत लेने की। कल फिर मुलाकात करेंगे, कल फिर बात करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे, फिर आपको हंसाएंगे और फिर गुदगुदाएंगे और आपको कुछ स्पेशल बताएंगे। कोशिश करेंगे कल फिर आपके प्यार में एक नया आयाम लाने की, आपके प्यार के लिए आपको एक कदम और बढ़ाने की। खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइए। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव सोचना, नकारात्मक चिंतन करना, गुरु निंदा करना, गुरु निंदा सुनना, ऐसा करने से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़कर जा रहा हूं तो मैं उन गलियों में, भिड़ंतियों में, ख्यालों में, विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक, कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर, भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास जयपुर से दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391 2929 2929। आयोजक श्री सदगुरुनाथ धाम परिवार जयपुर।